तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी जेल वाले रिजल्ट 2021 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी यूपी जेल वाले 2021 के कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को अंत तक जरूर देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे दोस्तों एक रेड कलर का लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आपकी कट ऑफ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और रिजल्ट आखिर आप सभी का जो है रिजल्ट डेट आ ही गई, ठीक है। जितने भी हमारे यूपी जेल वाले एनफायरमेंट के कैंडिडेट हैं आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये वीडियो होने वाली है। कट ऑफ का यहाँ पे मतलब कि इतना ही जाएगा जितना आप सभी को इतना इस वीडियो में बताया जाएगा आप सभी को, और आप लोग अपने फिजिकल की जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करके शेयर जो करें उन सभी कैंडिडेट के पास जो यूपी जेल वार्डर रिजल्ट 2021 का वेट कर रहे हो। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप भी यूपी लेखपाल भर्ती 2021 की तैयारी में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अनअकैडमी आप सभी के लिए 3 मंथ का बैच कोर्स लेकर आया है, ठीक है, जिसमें आप सभी को हर सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आप सभी को दी जाएगी, ठीक है। आपका समझिए पूरा पैकेज होने वाला है। जितने भी हमारे यूपी TSSC लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट आप लोग इस बैच कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, 3 मंथ में। और इस बैच कोर्स का लिंक हम आपको वीडियो ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग ABHAY-10 कोड अप्लाई करके अधिक से अधिक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दोस्तों ये कट ऑफ पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं कि सर जो नॉर्मलाइजेशन है आखिर किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के अंक मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंक भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगा आप सभी के सिलेक्शन में और सब आप सभी के कट ऑफ आने में। आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा जो है उस सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट का पेपर जो है सबसे कठिन आया होगा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हमने दोस्तों आप सभी से कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करें कि आपका पेपर कौन से सब्जेक्ट में हुआ, किस डेट में हुआ, ठीक है, आपका पेपर हार्ड था कि इजी था, और अब मतलब कि अपनी पूरी जानकारी शेयर करा करें, ठीक है, आपके कितने अटैम्प्ट हुए, ठीक है, पेपर मॉडरेट था आपका कि नहीं, ये सभी जानकारी आप लोगों से हमने कहा था शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और कई सारे कैंडिडेटों ने की भी थी, ठीक है, तो उससे हमने आपको बताया था कौन सा शिफ्ट का पेपर हार्ड था कौन सा इजी था, ठीक है, तो आप लोग भी आज भी शेयर करेंगे, ठीक है, हम लोग आगे भी आपको बताते रहेंगे। और ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है यही इसी बात पर निर्भर करता है कि कौन से शिफ्ट सबसे कठिन थी। और मैक्सिमम दोस्तों है ये 25 नंबर तक ही, 20 से 25 नंबर तक ही नॉर्मलाइजेशन के अंक जो है देखने को मिल रहे हैं। SSC में जो आपका CHSL का भी रिजल्ट आया था उसमें तो 230-230 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन के अंक दिए गए हैं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इतना आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम रिजल्ट डेट की बात कर लें तो आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों न्यूज़पेपर में कल ही निकल चुका है कि 20 फरवरी 2021 को आप सभी जो रिजल्ट है विभाग की ऑफिशियल साइट upvp.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। आप लोगों जो वेट था वो आखिर एंड होने वाला है। और यहाँ पे अगर हमने कट ऑफ की बात आप सभी को कर ही ली है, ठीक है, कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, एक बार अगर आप जनरल के OBC के SC और ST के कैंडिडेट, ठीक है, तो मैक्सिमम आपके इतने नंबर आने ही चाहिए, ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो इतने नंबर आने ही चाहिए 180 से लेकर 190 के बीच में, 170+160+140+, ठीक है, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल OBC SC और ST के नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है। आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे आप सभी तक पहुँच जाएंगे।